दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां अगर कोई इंसान रात के 8 बजे के बाद इस मंदिर में जाता है तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मंदिर का ताला पुजारियों द्वारा अच्छे से लगा के दोबारा से चेक किया जाता है कि ताला सही से लगा है कि नहीं। फिर बाद में पुजारी द्वारा सभी को हिदायत दी जाती है कि यहाँ कोई ना रुके। जब सभी लोग इस मंदिर के आसपास से चले जाते हैं तो कुछ देर बाद मंदिर से घंटियां और पूजा करने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखने वाली है कि मंदिर का ताला बंद है और अंदर कोई इंसान नहीं है। हम ना तो निधिवन की बात कर रहे हैं और ना ही अश्वत्थामा की। तो आखिर कौन है वो जो इस मंदिर में ताला लगाने के बाद आता है और मंदिर की घंटियां बजाता है? आखिर वो इस मंदिर में स्थापित भगवान की पूजा क्यों करता है? आखिर क्यों इस मंदिर में रात 8 बजे के बाद रहने से मौत हो जाती है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइड, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्ति पीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गिनती शक्ति पीठों में की जाती है। करीबन 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दाहिने तरफ नरसिंह और बाएं तरफ भैरव का फेरा हनुमान जी लगाते हैं। यहाँ माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में हुई थी। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि माँ के इस रहस्यमय भक्त की उम्र करीबन 800 साल है और लोग इन्हें आला के नाम से जानते हैं। वे आज भी इस मंदिर में गुप्त तरीके से माता की पूजा करने आते हैं। मेहर मंदिर के पंडित जी बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्मा मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा हुई मिलती है। अगर हम भारत के इतिहास के वीरों की घटना पढ़े तो हमें पता चलेगा कि आला और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के मुहावा के वीर योद्धा और परमार के सम्मान थे। दोनों भाई माता शारदा के भक्त थे। उन्होंने 52 लड़ाइयाँ जीती थी और अंतिम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराना पड़ा था। कहते हैं कि इस युद्ध में उदल वीर गद्दी को प्राप्त हो गए थे। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था, लेकिन इसके पश्चात आला के मन में विरांग आ गया था और वो माता की भक्ति में बिल्कुल ही लीन हो गया। उन्होंने अपना शीश चढ़ाकर माता से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। कहते हैं कि इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले जंगल के बीच शारदा देवी की इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर के परिसर में रात को रुक जाता है सुबह तक उसकी मौत हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर शाम को 8 बजे के बाद गर्भगृह के सहित माता के द्वार और परिसर के सभी ताले लगा के पुजारी सहित सभी कर्मचारी पहाड़ी के नीचे चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको इस मंदिर में आना है तो इस मंदिर से जुड़ा एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।